कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पुलिस ने अवैध तमंचे सहित कट्टे कारोबारी को किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराए जाने की दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्र निर्माण व बिक्री के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज थाना बबीना पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान खिरकन के जंगल से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अर्जुन यादव पुत्र कन्हैया लाल यादव निवासी ग्राम खिरकन थाना बबीना जनपद झांसी, दूसरा रविंद्र कुमार उर्फ रब्बू पुत्र रोमन सिंह निवासी ग्राम खैलार थाना बबीना जनपद झांसी है, जिनके कब्जे से 6 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 5 अदद देसी तमंचा 315 बोर चालू हालत में, 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर अर्धनिर्मित व 1 अदद देसी रिवॉल्वर 32 बोर बंद हालत में, 3 अदद नाल लोहा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अभियुक्त उपरोक्त एक अंतर्राज्यीय गिरोह जिसमें अर्जुन उपरोक्त द्वारा अवैध शस्त्र का निर्माण कर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बॉर्डर जनपदों में विक्रय किया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अरुण कुमार तिवारी थाना अध्यक्ष बबीना जनपद झांसी, उप निरीक्षक सर्वेश कुमार थाना बबीना झांसी, उप निरीक्षक कुलदीप पवार थाना बबीना, हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार थाना बबीना, कांस्टेबल कृष्ण मुरारी थाना बबीना आदि मौजूद रहे। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक रायन की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत थाना अध्यक्ष बबीना की टीम के द्वारा आज एक साथी अभियुक्त अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कुल 6 तमंचे तथा 1 32 बोर रिवॉल्वर बरामद हुआ है तथा जो तमंचे बनाने के उपकरण है वो भी बरामद हुए हैं और इनका एक साथी है रबिन, ये भागा हुआ है। दोनों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनको जेल भेजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ये काम करते थे और जहाँ से भी इनको कस्टमर मिलता था 6 से 7 हजार रुपए में इनके द्वारा तमंचे की सप्लाई की जा रही है। क्या ये इनके गिरोह में और भी साथी लोग बड़ा गिरोह बना जा रहा है? ये रविंद्र कुमार जो अभी भगा हुआ है, इससे भी अभी हम लोग जब इसको गिरफ्तार करेंगे इससे भी पूछताछ की जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन यादव पूर्व से ही 13 मुकदमे दर्ज हैं, लूट डकैती आदि गंभीर धाराओं के अभियोग इस पे पंजीकृत।